मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जन दर्शन कार्यक्रम के तहत सतना के रैगांव पहुंचे, जहां सीएम ने सबसे पहले रैगांव में आम जन को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने मंच से एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की। इसका नाम मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना दिया गया है, जिससे भूमिहीन गरीब परिवारों को शासकीय जमीन का टुकड़ा काट कर प्लॉट दिया जाएगा। शासकीय जमीन ना होने पर प्राइवेट लैंड खरीद कर सरकार हितग्राहियों को लाभ दिलाएगी। सीएम ने कई विकास कार्यों की घोषणा भी की, साथ ही जन दर्शन के तहत दर्जन भर गांव से गुजरे और जनता से रूबरू हुए। सीएम ने जन दर्शन कार्यक्रम का समापन कोठी में जनसभा को संबोधित करते हुए किया। रैगांव विधानसभा में उपचुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी बार जन दर्शन कार्यक्रम किया। एक और योजना चलाने का आगाज आज रैगांव से किया गया, इसे मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का नाम दिया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने मंच से खनिज मंत्री को निर्देश देते हुए कहा कि किसान जिस भूमि में खेती करता है वहां से चुनाव पत्थर नहीं निकाला जाएगा, ना ही किसान की जमीन किसी प्रकार से कोई खदान लगाई जाएगी। कई विकास कार्यों की घोषणा करते हुए मंच से उन्होंने रैगांव में महाविद्यालय और 18 करोड़ की लागत से श्याम लाइव स्कूल खोलने की घोषणा भी की। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूलों के गणवेश की सिलाई स्व सहायता समूह के द्वारा कराई जाएगी, गणवेश की सप्लाई ठेकेदार नहीं करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रैगांव के स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने की बात कहते हुए क्षेत्र में खेल के लिए स्टेडियम बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम के तहत रैगांव सभा के ग्राम पंचायत धौराहरा, इटमा, गोपालगंज, करसरा, झाली, बैरहना, मोहर समेत दर्जन भर से ज्यादा गांवों में होते हुए जनता से रूबरू हुए और कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल आम जन को सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। कोठी स्थित सभा में उन्होंने मंच से शासन की योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही कोठी में एक महाविद्यालय बनाने की घोषणा की है। कोठी के जर्जर स्टेडियम को 2,68,00,000 की लागत से आधुनिक स्टेडियम बनाने की बात कही, साथ ही सीएम राइज स्कूल की सौगात भी दी। साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देते हुए जन दर्शन कार्यक्रम का समापन किया। इसमें सतना सांसद गणेश राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल, वन मंत्री विजय शाह, पिछड़ा आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल, विधायक मऊगंज रामपुर बाघेलान, विधायक विक्रम सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता कार्यकर्ता जनसंख्या उपस्थित थे, साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मुक्त कराके ऐसे गरीबों के आवास के लिए इंदौर जैसे शहरों में या बड़े बड़े मॉफियों ने कब्जा की वो प्रयास भी करें। और दूसरे चरण में मेरे बहनों, हम जानते हैं हर एक की जिंदगी का एक सपना होता है, मेरा भी अपना एक छोटा सा मकान हो। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 40% राशि प्रदेश की सरकार लगाती है, कई गरीबों को मकान मिल रहे। लेकिन ये पट्टा देने के बाद वो भाई और बहन गरीब जिन 3,000 उपाध्याय जी की भी जयंती है और ठाकुर रणवंत सिंह जी की भी जयंती है, दोनों महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मुझे ठाकुर रणवंत सिंह जी के परिवार वो तलवार भेंट की जिससे उन्होंने अंग्रेजों का गुरूर तोड़ा था और उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था।